विदिशा जिले के साकेत एमजी स्कूल की ओर जा रहे ऑटो सवार 11 स्कूली बच्चे दुर्घटना का शिकार हो गए। बताया जा रहा है कि उन्हें पीछे से एक कार ने टक्कर मार दी। ऑटो में सवार सभी बच्चों को चोटें आई है, जिनमें एक स्कूली बच्चे का पैर फ्रैक्चर हुआ है, दो अन्य घायल हुए हैं, शेष को मामूली चोटें आई हैं। वहां मॉर्निंग वॉक कर रहे एक दंपत्ति ने सभी बच्चों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। ऑटो में मौजूद बालक ने बताया कि कार ने उनकी ऑटो को पीछे से टक्कर मारी है। वहीं समाज सेवी अतुल शाह और स्कूल प्रबंधन भी मौके पर पहुंचकर बच्चों की देखरेख कर रहे थे। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। रविंद्र दांग। अच्छा, कहाँ जा रहे थे, क्या घटना हुई है अभी? हम तो मोड़ रहे थे अंकल, तो इतने में एक कार आई और उसने टक्कर मारी। कहाँ से टक्कर मारी? पीछे से। कितने बच्चे थे आप? 12-13 थे। कितनी चोट आई, कितने बच्चे को चोट आई? सिर्फ 3 जन को ज़्यादा। आज प्रातः साकेत MGM के 11 छात्रों को लेकर एक ऑटो स्कूल की ओर जा रहा था, तो एक कार ने पीछे से टक्कर मारी। उसमें एक बच्ची को फ्रैक्चर हुआ है। वो दो बच्चियों को सुरक्षा की दृष्टि से एक्सरे कराया, बाकी सब बच्चे सुरक्षित रूप से हैं। भाई, तो पूरे बच्चे अस्पताल में हैं? 11 बच्चे, सब के सब बच्चे, कोई वहाँ पे मॉर्निंग वॉक वाला दंपत्ति उनको अस्पताल ले आया। चिकित्सकों ने उनकी पूरी जांच की, उसमें एक बच्ची का एक्सरे में फ्रैक्चर है, बाकी सभी बच्चे सुरक्षित। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।